श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल अस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोइ हरऊं कलेश विकार सिहरऊं, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भू। बोलिए सियावल रामी चंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति तू रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर ओडल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, अन्य धार्मिक आयोजन कराने हेतु या फिर किसी समस्या के निवारण हेतु, उपाय जानने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल वाणी को अयोध्या कांड में ब्राह्म दिया था और उसी स्थान से आगे रामन पाठ में प्रवेश करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बेबे कुमो है ब्रह्म भागा, तब रघुरात चरण अनुरागा, सका परम परमार्थ एहु मन क्रम बचन राम पद ने हो। विवेक होने पर मोह रूपी ब्राह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सका, मन वचन क्रम से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ वह पुरुषार्थ है। राम ब्राह्म परमारत रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा, सकल विकार रहित मत भेदा, कहीं नित नीति निरूपही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्मा है, वह अवगत जानने में ने आने वाले अलग सतूल दृष्टि से देखने में ने आने वाले अनादि आदि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकारों से रहित वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण का करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल,
करत चरित धारी मनोज तनु सुनत मिटई जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सका समय जो अस पर हरि मोहियु सिय रघुवीर चरण रत हो। कहते राम गुण बा विनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सका ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया, तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम ने हावा सोच सुजान वट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नैन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया, छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाऊ अतु बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना। नात कहूं अस कौशल नाता ले रथु जाऊं राम के साता। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास है गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ मुझे कोमल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनो देखाई सुर सारी अनबाई आनो फेरी बेग दो भाई। लखन राम सिय आनो फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा लाना। नृप अस कहूं गोसाई जस कही करो बलि सोई कर विनती पायन पैरों दे नहीं बाल जिम रोई। महाराज ने सकाता अप्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलियारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मित्र ही राम उठाई प्रबोधा
ताति धर्म मतु तो माहु सबु बोधा। और काही तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना होवे। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बांधते हुए कहा समझाया कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। से वेदादि से हरि चांद नारे सा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रति देव भली भूप सुजाना धर्म धरम सही संकट नाना। शिवी ददीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सह कर भी धर्म को पकड़ रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म ने दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराने बखाना मैं सोई धर्म सोलभ कर पावा तजेती हूँ पारे अपे जसु छावा। वेद शास्त्र प्राणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य स्वरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा गया। संभावित कहूँ अप जस लाऊ मरण कोट समय दारुण दाऊ तुम्हें सनतात बहुत का कहूँ दिए उतरु फिर पातक ले हूँ। प्रतिष्ठ पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितु पद ही कही कोटी नते बिने करब कर जोरी चिंता कब नऊ बात के तात करऊ जनि मोरी। आप जाकर पिता के चरण पकड़ कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुण्य पितु समय अति हित मोरे बिनती करही तात कर जोरे सब विधि सो ही करतव्य तुम्हारे दुख न पावे पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सोने रघुनाथ सचिव संबादू भयऊ सपरी जन बिकल साधु कोने कछु लखन कही कटुबानी प्रभु बर जी बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन सांदे सुकही जनी जाई, कै सुमंत्र पुनि भूप सांदेशु, सही न सकही सिय विपन कलेशु। श्री रामचंद्र ने सुपचाकर अपनी सौकंद देकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ने कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी। जय ही बेधे अवधे आवे फिर सिया, सोई रघुवर ही तो मही करनिया, न तैरुन पटे अवला में बिहीना, मैं नह जी अव जिम जलो बेनु मीना। अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनुमान, तै तब रही सुख सब जब लगी विपत्ति बिहान। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं, जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वह जब जहां भी जी चाहे वहीं सुख से रहे। बनती भूप के नहीं जय ही बाती, आरती प्रीति ने सुपही जाती, पित संदेश सुनी कृपा निधाना, सियही दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान से भी राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परवारू, फेराहू ते सब कट मिटे खमारू, सोने पति बचन कहती वैदई, सुनाहू प्राण पति परम सने ही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एव कुटुंबी सबकी चिंता मिट जावे। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राण पति हे परम स्नेही सुनिए, प्रभु करना में परम विवेकी, तनु तजी रहित चाह किमी छै की। प्रभु करुणा परम विवेकी, तनु तजी रहती चाह किम छै की। प्रभा जाई के भानु बिहाई, के चंद्र का चंदु तज जाई। हे प्रभु आप करना में और परम ज्ञानी है, कृपया कर विचार कर तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी
चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पते प्रेम में बिने सुनाई कहती ही सच विसन ग्रास आई तुम्हें पितु ससुर सारिस हितकारी उतरू दे हूँ फिरु अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी इस मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी और ससुर जी का सम्मान मेरा हित करने वाले हो, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भई बिले गुने महानवितात आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगिना। किंतु ये तात में अर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा नहीं मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों को बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु भैव विलास में डीटा निरपमनी मुकट मल पद मीटा सुख निदान असुपति ग्रह मोहरे पिय विहीन मन भाविना भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता के घर भी जो सब प्रकार सुखों का भंडार है पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्के वही कौशल राऊ भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ आगे हो ही जै सुर पति लेई अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव चौदह लोकों में प्रगट प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने अपने आदि सिंहासन बैठने के लिए उन्हें स्थान देता है। ससुर एतादुस अवध निवासु प्रिय परिवार माते समे सासु बिन रघुपति पद पदम परागा मोई कहूं सपने सुखद लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी माता के समान सासुएं यह कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पांत वन भूमि पहारा कर कहर सर सर ते अपारा कौल के रात को रंग बिहंगा मोई सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह अथा तालाब एवं नदियां कौल वील हरण वह पंछी प्राणपति सिरनाग जी के साथ रहने से सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासी ससुर
सन मोरी होती बेनिय करवी परिपाय। मोरी सोच जनी करही कछु में बने सुके सुभाय। अतः सास और सरस के पाम पढ़कर मेरी ओर से विनती कीजिए गया कि वे मेरा कुछ भी सोचने करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धोरेन धरे धनु माता। नई मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे मोहि लगे सोच करऊं जानी भोरे। वीरों में अग्नि तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राण नाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है और न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सोने सो मंत्र सी ऐसी तली वानी भयऊ विकल जन फनी मनी हानी। नैने सूझ न सुनही न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल है गए जैसे सांप बनी खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वह बहुत व्याकुल है गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध के नाम भाई वाते तदपि होते नहीं से ताली छाते। जतन आने गे साते हित की नए उचित उत्तर रघुनंदन दी नहे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं है। साथ चलने के लिए मंत्री जी को अनेक यंत्र किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन्हें सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मैं टे जाही नहीं राम रजाई कठिन करम गतु कछु ना बसाई। राम लखन सिए पद से रोनाई फेराऊं बन के जिम मूर गमाई। श्री राम जी की आज्ञा में टी नहीं जा सकती, क्रम की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गमा कर लौटे हो। रतो हां कहूं है राम तन हैरी हैरी ही नाई। देख निसाद विसाद बस दू नहीं शीश पछताई। सुमंत्र ने रथ को आका घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिने नाते हैं। यह देखकर निसाद लोग विसाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। बोली राघविंद्र सरकार की जय। बंधुओं, आज रामायण पाठ के अयोध्या कांड में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी हमारे इसी तरह के बालाजी बंदर होटल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब शेयर करना
ना भूले। वह भागवत कथा, राम कथा आदि धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए वह किसी भी प्रकार की समस्या निवारण हेतु उपाय जानने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय।